गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर, दैट्स नेम इज गिव एंड टेक. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसमें कहा गया है कि लोयन का बच्चा एक बार जंगल में खो जाता है और वो रोने चिल्लाने लगता है. तभी वहाँ पर एक ओल्ड डियर उसको देख करके अपने घर पर ले जाता है. लेकिन लायन के बच्चे को देख करके जो जानवर होते हैं, जो डियर्स होते हैं और दूसरे जानवर होते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं ये लायन का बच्चा उन्हें खा ना जाए. लेकिन जो ओल्ड डियर होता है वो उन लोगों को आश्वासन देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो ओल्ड डियर है वो लायन के बच्चे को समझा देगा. जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो जो लायन का बच्चा है वो घर जाने के लिए तैयार हो जाता है. लेकिन एक रैबिट उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, क्या पता तुमने कोई हरकत की और हम लोगों में से किसी को खा लिया हो. तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि हम लोग 240 है या नहीं. तो चलिए, कुछ लोग उसे काउंट करने में लगते हैं. तो कौन कौन लोग काउंट करते हैं, तो देखिए, जो ये टिल्लू है ये काउंट करता है रैबिट और डियर को और कहता है कि यहाँ पर जो रैबिट है वो 27 है और जो डियर है वो 48 है. जो ओल्ड डियर है वो बर्ड्स और स्क्विरल को काउंट करता है और वो कहते हैं कि 124 यहाँ पर बर्ड्स है और 38 स्क्विरल्स है. ठीक है जी. चलिए, तो अब जो काउंट कर लिया है उसको ऐड करके देखते हैं कि उतने एनिमल्स हैं यहाँ पर या नहीं है. तो सबसे पहले हम रैबिट्स और डियर को काउंट करेंगे. और इनको काउंट करने के लिए सबसे हम पहले हम क्या करेंगे कि वंस टेंस कर लेते हैं. वंस के लिए हम लोग जो है वन का कार्ड बनाएंगे और टेंस के लिए एक टेन का कार्ड बनाएंगे. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम रैबिट और डियर को काउंट करने वाले, तो यहाँ पर लिख लेंगे रैबिट्स. कितने रैबिट्स हैं, तो कितने रैबिट हैं, 27. तो वंस और टेंस करके हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो वंस में 7 हो गया और टेंस में 2 हो गया. उसके बाद डियर, तो चलिए डियर लिख लेते हैं. और डियर कितने दिए, 48. ये लीजिए, 48 लिख दिया. और जब हमें इनका टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. अब देखिए करना क्या है. अब हम करेंगे सबसे पहले वंस के लिए हम 7 कार्ड बनाते हैं. ये लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. 8 के लिए 8 कार्ड बना लेंगे. ये लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लीजिए 8. अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे कि कितने हो गए हैं. और ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे ही हमारे 10 कार्ड हो जाएंगे तो हम एक कार्ड बना करके उसका नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो लीजिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये इतने कार्ड्स जो है, ये कार्ड्स जो है, ये सभी मिलकर के 10 हो गए. तो इसको क्रॉस करेंगे और इसका 10 का 1 कार्ड बनाएंगे और 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे. ये लीजिए, 10 को ट्रांसफ़र कर दिया एक 10 का कार्ड. और अभी हमारे पास कितने वंस बचे हैं, तो हमारे पास बचे हैं 5 वंस. तो हम वंस में लिखेंगे 5. अब यहाँ पर देखिए 10 में कितने हैं, 2 है. तो 2 कार्ड्स बनाएंगे 10 के. ये लीजिए, 10 में 2 थे तो 2 कार्ड बनाएंगे. यहाँ पर 4 है तो 4 कार्ड और बनाएंगे. ये लीजिए, 3 हो गए और ये 4 हो गए. अब टेंस में कितने कार्ड हो गए हैं टोटल, वो काउंट कर लेते हैं. तो हमारे पास जो है टेंस में कार्ड हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये वाला कार्ड काउंट नहीं करना है क्योंकि ये वंस टेंस किया हुआ है. तो 7 कार्ड हो गए, तो ये लीजिए 7 लिख दिया. तो हमारा आंसर कितना हो गया, डियर और रैबिट कितने हो गए हमारे, 75. ठीक है जी. चलिए, अब ये हो गया. अब हम करेंगे बर्ड्स एंड स्क्विरल को काउंट. फिर से वही करेंगे, वंस और टेंस के लिए. वंस और टेंस कर दिया है. अब नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बर्ड्स. बर्ड्स कितने हैं,
124। तो देखिए यहाँ पर 100 भी है तो हमें 100 का भी कार्ड बनाना पड़ेगा। ये लीजिए 124, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे 124। तो अभी क्या करेंगे, अभी लिखने हैं स्क्वायरल। नंबर ऑफ स्क्वायरल कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायरल है हमारे, पहले लिखेंगे स्क्वायरल। स्क्वायरल कितने हैं हमारे, 38। ये लीजिए 38 कर दिया है। अभी यहाँ से इसको बर्ड्स को मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि ये उसमें मिक्स हो रहा है ना, और स्क्वायरल को भी कर दे रही हूँ क्योंकि वहाँ से दिखता नहीं है, ठीक है जी। ये लीजिए मैंने यहाँ से थोड़ा इसको क्लियर कर दिया है। अब ये हो गया, आप देखिए इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है। चलिए ऐड करने का तरीका वही है, फोर वंस के हैं तो फोर वंस बना लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर 8 है तो 8 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको काउंट करते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये इतने जो वंस वाले कार्ड है ये सब मिलकर के 10 हो जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे और उसका एक 10 का कार्ड बना देंगे। ये लीजिए, तो कितने बचे वंस में, 2 बचे। ये लीजिए ये हमने 2 कर दिया है। फिर क्या होगा, फिर टेंस वाले कार्ड काउंट करते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 है तो टेंस के 2 कार्ड बना ले रहे हैं, 1 और 2। यहाँ पर टेंस में 3 है, फिर से 3 कार्ड बना लेते हैं, 1 2 और 3, ठीक है जी। अब इनको काउंट करते हैं कि टोटल कार्ड कितने हो गए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने कार्ड हो गए, 6 कार्ड हो गए। तो ये लीजिए 6, और 100 में कितना कार्ड है, सिर्फ 1 ही है। तो ये हो गया 162 हमारा आंसर हो गया, बर्ड्स एंड स्क्विरल, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमने बर्ड्स एंड स्क्विरल निकाल लिए, 162 है। हमने रैबिट और डियर निकाल लिए, वो थे हमारे 75। अब ये है हमारे अलग अलग नंबर्स, अब इन दोनों को मिला करके कितना होगा हम देखते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि टोटल एनिमल कितने हैं। तो ये लीजिए, अब फिर से वंस टेंस हंड्रेड करेंगे, वंस टेंस, और ये हो गया हमारा 100, ठीक है, 100 हो गया। अब देखिए सबसे पहले रैबिट्स एंड डियर थे, तो ये लीजिए यहाँ पर लिखेंगे रैबिट्स एंड डियर, ठीक है। वो रैबिट एंड डियर कितने थे हमारे पास, वो थे हमारे पास 75 थे। तो ये लीजिए 75 कर दिया। फिर हमारे पास बर्ड्स एंड स्क्विरल कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बर्ड्स, ये एंड है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगी इसलिए ऐसे लिख दिया, एंड स्क्विरल, ये आई है यहाँ पर, स्क्विरल्स हो गया। तो बर्ड्स एंड स्क्विरल कितने थे, ये थे हमारे 162। कितने थे ये हमारे, ये थे 162, ठीक है जी। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये लीजिए, तो फिर से वही करना है कि 5 जो है हम वंस के कार्ड बनाएंगे, ये 4 और ये 5, फिर 2 हम वंस के कार्ड बनाएंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे। फिर उसके बाद 7 और 6 टेंस के कार्ड बनाएंगे, तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6
और 7, फिर कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनको काउंट करते हैं, ऊपर 7 कार्ड है और नीचे 6 है, तो ये 7 काउंट किए हैं, 7, 8, 9, 10 ये कार्ड्स मिल करके 10 हो जाते हैं ये वाले, तो इनको क्रॉस कर देंगे और एक 100 का कार्ड बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 10 के कितने बचे, 1, 2, 3 10 के कार्ड बने, 100 का कार्ड यहाँ पर है और 100 ऑलरेडी यहाँ पर, 100 एक और है यहाँ पर, तो 100 और 100 कितने हो गए, 200 हो गए, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 237, ठीक है जी। लेकिन जो वो कितने बता रहे थे एनिमल्स, वो कह रहे थे कि हम लोग 240 होने चाहिए, यानी कि यहाँ से 3 एनिमल्स मिस है, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं, कहता है हाउ मैनी बल्ब्स, अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे, एक फैक्ट्री में जो है फर्स्ट डे 270 बल्ब्स बनाए जाते हैं, ऑन द सेकंड डे इट मेड 123 बल्ब्स, और सेकंड डे वो 123 बल्ब्स बनाती है। हाउ मैनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर, तो कहा है कि फैक्ट्री ने कुल कितने बल्ब बनाए इन दोनों दिनों में, तो फर्स्ट डे कितने बनाए, 270 बनाए, सेकंड डे 123, तो टुगेदर है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, आप देखते हैं। चलिए आइए हम लिखेंगे, फर्स्ट डे बल्ब कितने थे, फर्स्ट डे इसको ऐसे कर ले रहे हैं, तो लीजिए फर्स्ट डे बल्ब कितने हैं, फर्स्ट डे बल्ब्स कितने हैं, 270 बल्ब्स हैं, ठीक है। सेकंड डे कितने हैं, सेकंड डे बल्ब्स कितने हैं, 123, इनको क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, सबसे पहले ऊपर वंस, वंस के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें 1 लिख देंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें 1 लिखेंगे, टेंस में एक कार्ड बनाकर उसमें 10 लिखेंगे, और 100 में एक ओवल बना करके 100 लिखेंगे, ठीक है जी, हो गया। अब इनको करना है प्लस, ठीक है, अभी लीजिए अब इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना था, 270 123, और यहाँ पर जो है ये वंस था, ये टेंस था, और ये 100 था, ठीक है। ये लीजिए इनको प्लस करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्ड्स, यहाँ पर 0 है तो 0 को कोई कार्ड नहीं बनेगा, यहाँ पर 3 है, 3 कार्ड्स बना लेंगे, 2, 3, ये 3 कार्ड्स है, ये लीजिए। अब टेंस के कार्ड बनाएंगे, पहले 7 कार्ड बनेंगे, फिर 2 कार्ड बनेंगे, लीजिए 1, 2, 3, ये 10 का कार्ड है, 4, 5, 6 और 7, और फिर 2 कार्ड्स और बनाने हैं, 1 और 2, तो 7 कार्ड्स ये है, और फिर आगे काउंट करते हैं 8 और 9, तो ये लीजिए 9 हो गए, तो यहाँ पर 100 के कितने हैं, 2 है, तो ये लीजिए 1 और ये 2 हो गए 100 के, ये 100 और है, तो ये लीजिए 100, कितने हो गए, 1, 2, 3, तो 393 हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। तो कितने बल्ब बने दोनों दिनों में, तो दोनों दिनों में बल्ब बने 393।
स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.